उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को कवर करते हुए हम पहुंच गए हैं अयोध्या के करीब बस्ती सीट पर। अयोध्या के करीब है और ऋषि वशिष्ठ का यहाँ पर आश्रम है। माना जी जाता है कि प्रभु राम यहाँ पर आकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रुके थे। अगर सियासी रूप से देखिए तो 2009 में पहला चुनाव सीट बनने के बाद जब हुआ तो बीएसपी ने यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के हरीश द्विवेदी दो बार से लगातार यहाँ पर जीत रहे हैं, एक बार फिर उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट गई है समाजवादी पार्टी की झोली में। मुकाबला कैसा है जानते हैं, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ का सिरका बहुत मशहूर है और वो सिरके का कारोबार कई लोगों की आजीविका चलाता है। आइए चलते हैं बस्ती की जनता के बीच ये जानने के लिए कि इस बार किसकी तूती बोलेगी, क्या हरीश द्विवेदी या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाजी मारने जाएंगे। चलिए % सरकार के काम से जनता संतुष्ट है। बस्ती में स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगार नहीं, जितने भी एमपी आए हैं बस्ती के लिए कुछ नहीं किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना विकास किया है मैम, उसका कुछ कहने का हद ही नहीं। क्या विकास हुआ है, क्या विकास? देखिए अभी आपने लिए आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड हर 5 साल का आप देख लीजिए, फिर राशन फ्री हो गया है। 10 साल हो गया यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला, रोजगार के नाम पे किसान भी ठगे गए, नौजवान भी ठगे गए। मोदी बहुत बेस्ट है मेरे इंडिया के लिए, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हम लोग प्राउड ऑफ यू। आज के समय में बेरोजगारी इतने चरम पे है कि हम नौजवान अपनी डिग्री लेके दर दर पे घूम रहे हैं। शॉप खोलकर धंधा करने वाले हैं, लोहे को सरखुंडा करने वाले हैं, हाथी पंजा फूल साइकिल सारे लोग अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं। बस्ती से हम लोग सीधा रवाना होंगे अम्बेडकर नगर के लिए, यहाँ पर लोगों की राय जानी आपने। प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट पर आपका स्वागत है। समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया की ये जन्मभूमि है, ये मायावती जी की कर्म भूमि है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखिए चुनावों में देखिए तो यहाँ पर बोलबाला जिस समाज की वो हमेशा बात करती रही, यहाँ पर पिछली 3 बार से लगातार कोई ना कोई ब्राह्मण कैंडिडेट जीत रहा है। 2009 में बीएसपी की जीत हुई, 2014 में प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी ने यह सीट हासिल की, लेकिन 2019 के चुनाव में एक बार फिर ये सीट बीएसपी की झोली में चली गई। लंबे वक्त तक ये बीएसपी का गढ़ रहा है क्योंकि मायावती ने यहाँ पर इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। विनय कटियार फायर ब्रांड नेता बीजेपी के जाने जाते हैं, विनय कटियार भी यहाँ से चुनाव लड़े थे लेकिन वो भी यहाँ से हार गए थे। अम्बेडकर नगर समाजवाद के पुरोधा अगर राम मनोहर लोहिया की ये जन्मभूमि है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरी पृष्ठभूमि लिखी गई। लेकिन यहाँ पर आखिर क्या वजह रही कि मायावती की बीएसपी वाली सोशल इंजीनियरिंग की जो राजनीति है वो ज्यादा कामयाब हुई और वो इसका गढ़ बन गई। लेकिन बीजेपी से पिछली बार 19 में लिया था, अब देखिए कैसे उम्मीदवार इधर से उधर पलट रहे हैं। क्या कहती है जनता, क्या बीएसपी इसको अपनी झोली में रख पाएगी या बीजेपी वापस इस सीट को ले पाएगी, ये तय करना है जनता को। आइए चलते हैं अम्बेडकर नगर में लोगों के बीच। मेरा मुद्दा पुरानी पेंशन की बहाली, देश की सीमा पर लड़ने वाले पहला मिलिट्री फोर्स, हमारे देश के लिए 62 साल तक काम करने वाली हमारी पुलिस के लोग, हमारे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी सारे लोग जो कि सेवानिवृत्ति के पीएस की बहाली हुई है, आप लोगों की कितने लोगों की ये मांगे हाथ उठाई है? यस मैम, बिल्कुल मैम, हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से ये भारतीय अम्बेडकर नगर की धरती है मैम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार हो गई, लेकिन पूरे 10 साल के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया हुआ। यही अखिलेश यादव है, यही अखिलेश यादव है जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, देश सही हाथों में जा रहा है और इधर भाजपा सरकार में पूरा विकास, आज भी यहाँ की सड़कें देख लीजिए। पहले आज तक अम्बेडकर नगर में कोई भी पार्टी भाजपा कोई नहीं कर पाई, अम्बेडकर नगर समाजवादी पार्टी में कौन अपराधी बड़े। मैं खर्चा कैसे चलाऊँ आप बताइए, 7 बार पेपर लीक हुआ, उन बच्चों को कैसे पार नहीं मिल रहा है, हम लोग जो पेपर कैसे क्या करूं। अम्बेडकर नगर में लोग क्या कह रहे हैं आपने देख लिया, अब आइए यहाँ से सीधा रवाना होते हैं हम लोग अयोध्या के लिए। राम मंदिर बनने के बाद क्या कह रही है अयोध्या की जनता, आइए चलते हैं।
की 80 सीटों को कवर करते हुए बस्ती अंबेडकर नगर के बाद अयोध्या। माना जा रहा है कि इस बार अयोध्या से एक ऐसी पटकथा भारतीय राजनीति की लिखने की कोशिश की है बीजेपी ने, जिससे वो 80 सीटों पर अपना दम दिखा सके। राम मंदिर बनने के बाद क्या कह रही है अयोध्या की जनता, आइए चलते हैं लोगों के बीच। यहाँ पे व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा था, 4 साल पहले कौन व्यवस्था ना यहाँ पे, जो हमारे मोदी जी ने काम किया आज से पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? मोदी को जिताएंगे, मैं मोदी को जिताएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? बस जो है मोदी जी ही आएंगे और कुछ नहीं, अब कभी मोदी ही जीतेंगे जी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो में जिस तरह की तस्वीर दिखाई देती है, शंख बजा रहे हैं, जो धर्म गुरु हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और पीछे प्रधानमंत्री का ये कारवां जो चल रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से, अब ये रोड शो का समझ लीजिए समापन यहाँ पर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के जरिए एक बड़ा संदेश देते हुए